आप सभी को नमस्कार। पिछली सीरीज में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे थे रितिकाल के बारे में, और उन सवालों के पूछने के बाद में उनके सारे सवालों के जवाब भी मैंने आपको दिए। मुझे विश्वास है कि शायद आपने उन चीज़ों को देखा होगा, पहले अपने आप को जज किया होगा, उसके बाद में जो उनके सही उत्तर निकल करके सामने आए उसको देख करके अपना विश्लेषण किया होगा। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे रितिकाल की प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप सबको जानकारी है, विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास को चार चरणों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो शुरुआत है वो 1050 से 1375, भक्तिकाल शुरू होता है 1375 से और खत्म होता है 1700 में। तीसरा रीतिकाल जो शुरू होता है 1700 से और खत्म होता है 1900 ईस्वी तक, और उसके बाद आधुनिक काल जो अब तक चल रहा है। रीतिकाल को पूर्व मध्य उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो समय सीमा है रीतिकाल की, क्यों इसका नामकरण किया इसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन इसकी जो समय सीमा थी वो उथल फुथल का एक साम्राज्य था। रजवाड़े थे, राजा थे, उनके आश्रयदाता थे, और एक तरह से इसको यूं कहें कि इस काल की जो काव्यधारा थी वो व्यक्तिगत निरंकुश राजतंत्र के प्रभाव से प्रेरित थी। राजा सर्वे सर्वा होता था और उसके जो साथी होते थे, जो पात्र होते थे, या हम यूं कहें कि उसके जो सैनिक होते थे या आश्रयदाता होते थे, वो वही काम करते थे जो राजा कहते थे। इस कालखंड में वैसे तो श्रृंगार, नीति और वीर की धारा कही जाती है, इस तरह की रचनाएं भी इसमें रची गई हैं, लेकिन इसके अलावा नीति, प्रेम और स्वच्छंदतावाद तथा अलंकार की धारा भी इस काल में चली। दोनों तरह के कवि इस काल में आए। वैसे तो ये अलंकरण और लक्षण ग्रंथों की जो धारा है वो पहले से संस्कृत काव्य ग्रंथों से चली आई है, लेकिन एक विशेष काल होने के कारण इसको यूं कहें कि उनका कुछ अनुसरण इस काल में आकर के किया। अनेक प्रबुद्ध लोगों ने, समीक्षकों ने इस काल को, किसी ने अलंकरण काल कहा तो किसी ने अलंकृत काल कहा, किसी ने कला काल कहा तो किसी ने श्रृंगार काल का नाम दिया, लेकिन जो सर्वमान्य मत निकल करके इसमें सामने आया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया हुआ नाम रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल का नाम भी दिया जा सकता है। ये दोनों नाम सर्वविदित हैं, सब के लिए सर्वमान्य ये नाम निकल करके सामने आए। इस काल में शौर्य की रचना हुई, क्योंकि रजवाड़ा था, राजाओं का साम्राज्य था, आश्रयदाता उनके नीचे काम करते थे, तो शौर्य, राजाओं के शौर्य को जगाने के लिए भी कविताएं रची गई, कहीं भक्ति की, कहीं प्रेम की, कहीं वैराग्य की, और अनेकों अनेक कविताएं नीति से संबंधित भी रचित हुई। इसके अलावा इस काल में कुछ कवियों ने काव्य सिद्धांतों की रचना की, काव्यांगों की रचना की, और अनेकों अनेक उदाहरण ग्रंथों की भी रचना इस काल खंड के अंदर हुई। विद्यार्थियों, इस काल को हम मुख्य रूप से तीन धाराओं में, तीन रीतियों में विभक्त कर सकते हैं। रीतिकाल में तीन तरह के कवि हुए और तीन धाराओं को लेकर के वो चले। नंबर एक, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध कहते हैं कि एक बनी बनाई परिपाटी के अनुसार अपनी काव्य की रचना करने वाले कवि, और उनमें जो नाम निकल करके आता है वो हैं देव, पद्माकर और मतीराम। दूसरी धारा इस युग में जो चली वो है रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध धारा के कवि वे कवि हैं जिन्होंने रीतियों को जानबूझ करके तो स्वीकार नहीं किया,
किसी एक निश्चित परिपाटी पर अपनी रचनाओं को रचित तो नहीं किया, लेकिन समय के प्रभाव के कारण रीतियां स्वतः ही उनके काव्यों में सिद्ध हो गई। ऐसे रीतिमुक्त धारा के जो कवि हैं वो कवि हैं बिहारी दास। और तीसरी धारा रीतिमुक्त धारा, रीतिमुक्त धारा में वे कवि आते हैं जो अपनी कविता को रीति की संकीर्ण गलियों से निकालकर स्वच्छंद पथ पर अग्रसर करते हुए उन्होंने अपनी कविता को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने किसी भी रीति को स्वीकार नहीं किया, वे अपनी मुक्त और स्वच्छंद धारा में बहते चले गए और अपनी रचनाओं को रचते चले गए। रीतिमुक्त धारा के कवियों के अगर नाम मैं गिनाऊं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो उनके प्रमुख नाम हैं वो हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो इस प्रकार इस कालखंड में रीति काल का जो नामकरण हुआ, उस रीति काल के अंदर तीन तरह के कवियों ने अपनी रचनाएं रची, एक रीतिबद्ध, एक रीतिसिद्ध और तीसरी रीतिमुक्त। अब हम आते हैं इनकी प्रवृत्तियों पर, इनकी विशेषताओं के ऊपर कि इस कालखंड में ऐसी क्या विशेषता रही जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड का नाम रीतिकाल का नाम रखा। सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं की चर्चा करें तो पहले आएगी लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति। आपकी स्क्रीन पर जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, आप देख लीजिएगा, मैं एक एक विशेषता का विश्लेषण करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले है लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्तियां। वो एक ऐसा युग था कि उस युग में, जैसे कि मैंने बताया कि रीतिबद्ध, सिद्ध और रीतिमुक्त धारा के कवि हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ कवि तो ऐसे हैं जो श्रृंगार, वीर और भक्ति की या नीति की धारा में बहते चले गए और अपनी रचनाओं को स्वतः वो आगे निकालते चले गए। उन्हें किसी आश्रयदाता के शौर्य की उसके शौर्य को बताने के लिए या उसकी आश्रय में रह करके उसकी वृद्धावली गाने के लिए, तो इस तरह की रचनाएं उस काल में चली आ रही थी। लेकिन कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की, उन्हें उन ग्रंथों का मौलिक नहीं कह सकते क्योंकि संस्कृत काव्य धारा में ये ग्रंथों की रचनाएं बहुत पहले हो चुकी थी, हम इसको एक अनुसरण मात्र कह सकते हैं। तो इन लोगों ने, कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम है केशवदास का। और केशवदास ने रस अलंकार की शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन इस कालखंड में किया। दूसरा नाम जो निकल करके आता है वो है चिंतामणि, जो चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथों की रचनाएं करके एक नए युग की शुरुआत की। युग की शुरुआत तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में जब लक्षण ग्रंथों की रचनाएं नहीं हुई थी, क्योंकि संस्कृत काव्य ग्रंथों में रचनाएं बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जब आदिकाल आया, भक्ति काल आया, तो एक तरह से ये जो धाराएँ क्षीण हो चुकी थी, शून्य हो चुकी थी। तो उसके एक अंतराल के बाद में फिर वापस लक्षण ग्रंथों की रचनाएं इस कालखंड में शुरू हुई। ये इनकी जो लक्षण ग्रंथों की रचनाएं या छंद, अलंकार या रस का जो शास्त्रीय विवेचन इन्होंने किया, वो शास्त्रीय विवेचन निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का अनुसरण है। कहीं भी इनके साहित्य में मौलिकता प्रदर्शित नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस युग की शुरुआत में लक्षण ग्रंथों की रचना करके एक अलग युग की आहट पैदा हो गई थी। इसलिए जो पहली विशेषता इसके निकल के आती है वो यह है कि लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की प्रवृत्ति इस युग में रही। दूसरी विशेषता कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति। एक ऐसा युग था जहाँ एक तो स्वतः कवि पैदा होते हैं और अपनी कविता को रचते हुए चले जाते हैं, चाहे उन कविता का आधार वो श्रृंगार को लें, चाहे नीति को लें, चाहे शौर्य को लें, चाहे प्रेम को लें या स्वच्छंदता या अलंकार को लें। तो एक तो स्वतः उस धारा में बहते चले जाते हैं
और एक ये होता है कि उस धारा के प्रमुख कवियों में अपने आप को शामिल करना। इस युग में एक प्रवृत्ति और चली है कि कवि स्वयं आचार्य बनने की चेष्टा करता है, और आचार्य बनने के लिए वो सारे कार्य वह करता है, वह उस किसी भी राजा के आश्रम में रहकर के उस कार्य को अंजाम देता है। निश्चित रूप से शौर्य की चर्चाएं होती होंगी, क्योंकि रजवाड़े रहे थे, रजवाड़ों में जो महाराज हुआ करता था या जो राजा होता था उस राजा के आश्रयदाता भी होते थे, उसके आश्रय में कवि लोग पनपते थे, न जाने कितने लोग रहते थे जो उनकी वृंदावली दिन रात गा करके उन्हें उत्साहित करते रहते थे। चाहे वो सही थी गलत थी इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आचार्य बनने के कारण, आचार्य बनने की चाहत के कारण उन्होंने लक्षण ग्रंथों की, अलंकार साहित्य की, छंद शास्त्र की रचनाएं बेशक उन्होंने अनुकरण किया वो संस्कृत साहित्य का, तो एक मन में एक आकांक्षा उन्होंने पाली। इसलिए कवि और आचार्य दोनों बनने के इच्छुक इस युग के कवि रहे। लेकिन इसमें भी ये जो दो धाराएं थी, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध, इन दोनों तरह के कवियों ने इस आचार्य बनने की प्रवृत्ति का अनुसरण किया, लेकिन रीति मुक्त धारा के कवियों ने कभी भी आचार्य बनने का प्रयास नहीं किया, और वो स्वतः ही अपनी धारा में वो अपना कार्य करते रहे। अगली विशेषता इस युग की आती है श्रृंगारिकता। ये वो युग था, मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि राजा रजवाड़ों का युग था, आश्रयदाता उनकी प्रशंसा बिरदावली गाते थे। लेकिन श्रृंगारिता का बोलबाला भी इस तरह का नहीं था, कोई बहुत अच्छा बोलबाला नहीं था। इस काल में कवियों ने नायिका भेद, नैक्षिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन नारी के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था वो भोगपरकता, विलासिता का था। राजा के मन में वो भाव जागृत करने के लिए नारी को इन्होंने भोग की वस्तु, एक विलासिता की वस्तु प्रस्तुत किया। तो श्रृंगार की परिभाषा इनकी नजर में एक अच्छी नहीं थी, एक शुभ नहीं थी, एक विलासिता का वातावरण में उनके भावों को जागृत करने का काम इन कवियों ने किया। उनके हृदय के अंदर कहीं भी प्रेम की अनन्यता नहीं थी, कहीं भी एक निष्ठता नहीं थी, और नहीं त्याग और तपश्चर्य की भावना उनके हृदय में कहीं भी मौजूद विराजमान नहीं थी। राजा की सुख शांति के लिए, राजा की मौज मस्ती के लिए उन्होंने काव्य की रचनाएं की, और नारी को उन्होंने विलासोन्मुख जीवन दर्शन का आभास राजा के सामने रखा, प्रयास किया एक नारी के उस रूप को रखने का। और श्रृंगार के आंतरिक और स्वच्छ रूप का वर्णन नहीं करके बाह्य रूप रंग का यहाँ पर श्रृंगार रस के का इन्होंने वर्णन किया। इसके अलावा नारी की शारीरिक चेष्टाएं या उसके शरीर के अंगों की बनावट को लेकर के ही उन्होंने काव्य को आधार बनाया, अपनी रचनाओं को आधार बनाया, और उसी को उन्होंने वो रस्ते भी चले गए। भोग विलास, काम वासना में काम आने वाले शास्त्रों उपयोगी जितने भी उपकरण थे, उन सभी उपकरणों को इन कवियों ने प्रयोग किया, और जिनमें जो सबसे प्रमुख, जो करीब करीब सभी कवियों ने, इस काल के कवियों ने अपनाया, नैक्षिक वर्णन और नायिका भेद। नायिका भेद जिनमें नारी के अनेक रूपों का, अनेक रंगों का वर्णन यहां पर किया। अगली विशेषता इनकी है नायिका भेद। नायिका भेद की नारी के जो विभिन्न गुण हैं या विभिन्न नारियों की शारीरिक जो बनावट है, उस शारीरिक बनावट को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना। दोस्तों, रसों का आलंबन स्त्री और पुरुष से मिलकर के बना है, जिन्हें साहित्य में नायिका और नायक का नाम दे दिया गया। यहां पर जो आलंबन है वो आलंबन नायिका होती है, उसको देख करके आश्रय के मन में क्या प्रतिक्रिया जागृत होती है, क्या भाव जागृत होते हैं, तो आलंबन नायिका के जो भेद हैं और उन भेदों के भी उपभेद हैं।
उन सब का चित्रण रीतिकाल की करीब करीब सभी कवियों ने मुक्त कंठ से किया। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नारी को दिखाने के लिए, नारी के अंग को दिखाने के लिए, उनके नख शिख का वर्णन करने के लिए, काम वासना की तृप्ति के जितने भी साधन और उपकरण थे, उन साधन और उपकरण को राजा के सामने उन्होंने परोसने का काम किया। तो उनकी दृष्टि में उस युग में नारी को हे माना जाता था, एक काम वासना की वस्तु मानी जाती थी, इससे ज्यादा नारी का कोई महत्व रीतिकाल के अंदर कवियों ने नहीं दर्शाया। अगला वर्णन है, अगला इसकी अगली जो प्रवृत्ति विशेषता है वह नक्षिक वर्णन है। तिल का तार बनाना इन कवियों से कोई सीखे, नारी के अंग और प्रत्यंग को चोटी से एडी तक एक एक अंग का वर्णन आलंकारिक भाषा में छंदों के माध्यम से इन्होंने किया। छोटी सी एक वस्तु बिंदिया जो माथे पे लगाई जाती है, उस नन्ही सी काली बिंदी को लेकर के इन्होंने तिल हजारा नामक साहित्य की रचना कर दी। और अलख नारी की लटों को, जुल्फों को लेकर के इस काल के कवियों ने अलख शतक नामक एक काव्य की रचना की। तो नारी के एक भी अंग को नहीं छोड़ा और अपने अलंकार, क्योंकि उनका जो प्रमुख मकसद था वो प्रमुख मकसद अपने आश्रयदाता को रिझाना था, उसको प्रसन्न करना था, और उसको प्रसन्न करने के लिए ही इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं को आधार बनाया। क्योंकि काल में भोग विलास की वस्तु मानी जाती है नारी, तो उसी को एक आधार बना करके अपने काव्य की रचना की और राजा को प्रसन्न करने का यथोचित प्रयास किया। अगली विशेषता इस काव्य खंड की, इस काल की है, मुक्तकों की अधिकता। प्रबंध काव्य वह होता है जिसके अंदर एक निश्चित परिपाटी में काव्य के लक्षणों में बंध करके उस काव्य की रचना की जाती है। लेकिन मुक्तक वो चीज होती है जिसमें कवि किसी धारा में बंधा नहीं होता है और जिस विषय को लेता है उस विषय में उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। वो जैसी मर्जी चाहे अपनी कविता को रच सकता है, परोस सकता है, कोई उसे कहने वाला नहीं है, कोई शास्त्र का ज्ञान उसके लिए आवश्यक नहीं होता था उस काल में। तो यहां पर कवि लोग अपनी चमत्कारपूर्ण रचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए और अपने आश्रयदाता को प्रसन्न और खुश करने के लिए, इसके अतिरिक्त राज्य दरबार में वाह वाही लूटने के लिए वो तरह तरह का प्रयोग करते थे। और प्रयोग करने के लिए मुक्तक एक ऐसा आधार था जिससे वो किसी भी विषय को मनोरंजन बना सकते थे, चमत्कार पूर्ण बना सकते थे, आवश्यकता से ज्यादा सुंदर और सश्लिष्ट बना सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के बारे में कहा है कि मुक्तक प्रबंध की विस्तृत वन स्थली का एक चुना हुआ गुलदस्ता है। कवि लोग अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इस तरह की विधा का प्रयोग उस समय किया करते थे और उनका हर बार एक मकसद होता था कि राजा को किस तरह प्रसन्न किया जाए, किस तरह खुश रखा जाए ताकि अधिकाधिक इनाम उन्हें प्राप्त हो सके, उनकी इज्जत राजा की नजर में और ज्यादा बढ़े, इसलिए वो इस तरह का प्रयास करते थे। अगली विशेषता इस युग की है षट ऋतु और बारह मासा वर्णन। श्रृंगार की बहुलता इस युग में थी, चाहे वो श्रृंगार मासल हो, अनैतिक हो, भोग विलास और काम वासना से युक्त हो, लेकिन उस श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष को नायक नायिका के सुख और दुखों को बताने के लिए कवि लोगों ने
ऋतुओं और महीनों का सहारा लिया, और इनके कारण आश्रय के मन में भाव उद्दीप्त किए, और भाव उद्दीप्त करके हर मौसम में, चाहे हर ऋतु हो चाहे कोई सा महीना हो, उस रूप को प्रदर्शित करके, उस भाव को प्रदर्शित करके उनके अंतर मन की जो आकांक्षाएं हैं अपने आश्रयदाताओं की, उनको जगाने की वो चेष्टा यहां पर इस काल के कवियों ने की। षट ऋतु वर्णन ज्यादातर अवस्था में संयोग अवस्था, संयोग काल की अवस्था के सुख को उद्दीप्त करने के लिए षट ऋतु का वर्णन किया जाता है, जिनमें विशेषकर हिंडोला, होली, उपवन विहार, चंद्रिका सेवन, स्नान आदि का वर्णन किया जाता है, ताकि आश्रय के मन के अंदर दबे हुए भाव उद्दीप्त होकर के जागृत हो सके। और बारह मासा का जो वर्णन किया जाता है वो वियोग जन्य दुख और वेदना को बताने के लिए किया जाता है, उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों ही चीजों का, षट ऋतु वर्णन और बारह मासा वर्णन, इन दोनों का वर्णन बखूबी से इस युग के, इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता को रिझाने के लिए इन विधाओं का प्रयोग किया। अगली विशेषता इस काल की है वीर काव्य। दोस्तों, वो एक ऐसा युग था जिस युग में मुसलमान शासकों के विरोध में सिख, मराठा और अनेक रजवाड़े बराबर युद्ध के लिए उत्सुक रहते थे, आपस में उनकी टकराहट बनी रहती थी, और उस टकराहट में कुछ कवियों ने राजाश्रय में अपने आश्रयदाता के आश्रय में रह करके उनकी वीरदावली गा करके उनके शौर्य का बखान किया, ताकि उनके अंदर जोश जागृत हो सके। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और बुंदेले वीर छत्रसाल की वीरदावली गाई, और पद्माकर, सूदन और लाल जैसे कवियों ने हिंदी हिंदू राजा महाराजाओं की वीरदावली गा करके उनको उत्साहित किया, जागृत किया, जिसके कारण अपने आप सूर्य की पराकाष्ठा का वर्णन करने के कारण वीर रस की उत्पत्ति होगी, और वीर काव्य की रचनाएं स्वाभाविक रूप से निकल करके सामने आ गई। जबकि ये उन कवियों का उद्देश्य नहीं था कि वो किसी वीर रस की उत्पत्ति करना चाहते थे, वीर काव्य की रचना करना चाहते थे, लेकिन अनायास ही उस युग में ये रस उत्पन्न हो गया। अगली विशेषता है भक्ति तथा विरक्ति की भावना। ऋतिकाल में एक वीर भक्ति रस की कल्पना करना अलग सा महसूस होता है, लगता नहीं है, सही लगता है, क्योंकि वो कोई वीर भक्ति रस के कवि नहीं थे, ना वो किसी भगवान को मानते थे कि उनकी आराधना करने के लिए उस भक्ति रस की उन्होंने कल्पना की। अल्प मात्रा में उन्होंने भक्ति साहित्य की रचना इसलिए की कि उस विलासितापूर्ण वातावरण में, उस काम वासना का जो वर्णन करते करते जब वो थक जाते थे, राधा और कृष्ण का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन जब उस काम वासना, उस मार्शलतापूर्ण वर्णन का वर्णन करते करते जब उनको थकान महसूस होती थी, तो वो आश्रय लेते थे ईश्वर का, भगवान का आश्रय लेते थे, और अनायासी भक्ति रस कहीं कहीं थोड़ा बहुत उत्पन्न हो जाता था, उनकी कहीं ये मनसा नहीं थी। इन चीजों से विरक्त होने के कारण, मन भर जाने के कारण, उन्होंने कुछ एक रचनाएं भक्ति रस की अल्प मात्रा में लिखी। वे ऐसा उस काल का एक भी कवि नहीं था जो जीवन की गहरी अनुभूतियों से संजीदा हो, वो सारे के सारे उन चीजों से वंचित थे। वे लोग श्रृंगार से ऊब करके कि कहां तक उनका वर्णन किया जाए, राजा महाराजाओं की वीरदावली गागा कर थक गए थे, श्रृंगार काम वासनाओं की बातें करते करते वो थक गए थे, इन सारी चीजों से ऊब कर वैराग्य साधना का राग अलापते थे।
मजबूरी थी, परेशानी थी, ऐसा नहीं चाहते हुए भी उनको ये करना पड़ा, ये भाव जागृत करना पड़ा। अगली विशेषता इस काल की है नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण। मैं बार बार नारी जीवन के बारे में, नारी की भावना के बारे में या नारी के चरित्र चित्रण के बारे में रीतिकाल का मैं काफी बात बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी उनका जो मुख्य दृष्टिकोण था इस काल का वो श्रृंगारिक दृष्टिकोण था। श्रृंगार की रचना वो करना चाहते थे, लेकिन उस श्रृंगार रूप में भी नारी के विलासपूर्ण और उपभोग की वस्तु के सिवाय उन्होंने नारी को और किसी रूप में नहीं देखा, और उन्होंने उसी रूप में नारी के सौंदर्य का चित्रण किया। उन्होंने कभी भी नारी को जननी, गृहिणी या देवी के रूप में कहीं भी किसी भी रूप में वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये चीजें इस वास्तविकता से, इस वास्तविक संवेदना से विवंचित थे। उनकी नजर में नारी केवल पुरुष के लिए आकर्षण मात्र का एक केंद्र थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने नारी के बारे में कुछ लिखा भी नहीं और लिखना वो पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि वो उस युग की मांग थी, उस समय की मांग थी। और अंतिम इसकी विशेषता जो निकल करके आती है वो कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता के पीछे कारण यह था कि उस युग के जो कवि थे वो कवि के साथ साथ आचार्य बनना चाहते थे, उनकी एक आकांक्षा थी मन में, जिसके कारण वो लक्षण ग्रंथों की रचना करना चाहते थे, वो अलंकार और छंद का वर्णन करना चाहते थे, वो अपने काव्य में मुक्तक के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना चाहते थे। तो भाव पक्ष तो पीछे छूट गया, भावनाओं का जो वेग है वो तो पीछे छूट गया, लेकिन अनायास ही संस्कृत ग्रंथों का अनुसरण करने के कारण, जबकि उनकी मौलिक देन नहीं थी ये, उनके अंदर वो भाव जागृत हुआ जिससे कला पक्ष मजबूत हो गया। कल्पना की उड़ान भरना और अपने काव्य में चमत्कारपूर्ण युक्ति उत्पन्न करना जिससे लोगों के मन में या राजा या आश्रयदाता के मन में उनके प्रति भाव जागृत हो सके, इसको जगाने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। इसके अलावा इस युग की जो कवि हैं उन कवियों में अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की। कुछ एक कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने अवधि को भी अपने काव्य का आधार बनाया। इसके अलावा अगर इस युग के काव्य के छंदों की हम बात करें तो निश्चित रूप से ज्यादातर बहुसंख्यक दोहा, कवित और सवैये, इन तीन छंदों की प्रधानता इस रीतिकाल में रही। तो दोस्तों ये है रीतिकाल की विशेषताएं जो उस कालखंड के अंदर उत्पन्न हुई, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रीतिकाल रखना पड़ा। तो ये जो 11 विशेषताएं हैं, इन 11 विशेषताओं का मैंने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब नमस्कार, बाय।